आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टोयोटा रेंज के बारे में और इसके जो वेरिएंट्स हैं और सब वेरिएंट्स के बारे में। जितने भी गाड़ियों के वेरिएंट्स होते हैं ना, खासतौर पर जापानीज़ गाड़ियों के, इनके अंदर बहुत बड़े इशूज़ आते हैं। डीलर्स या इंपोर्टर्स या जो बेचने वाले होते हैं ना, अक्सर अपने मिड स्पेक को या बेसिक स्पेक के अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगा के, लेदर सीट्स लगा के, कवर्स लगा के, अलग डाल के, लाइट चेंज करके, तो वो कहते हैं फुल ऑप्शन गाड़ी है, इसमें पूरे पैसों में बेचने की। डैमेज गाड़ियाँ लोग मंगवा लेते हैं फ्रंट से, जब डैमेज हुई है गाड़ी तो फिर वो ग्रिल फुल ऑप्शन भी डाल देंगे, लाइटें फुल ऑप्शन भी डाल देंगे, थोड़े फर्क होता है सामान के अंदर ना। तो बहरहाल ये टोयोटा रेज है 1.0, ये टर्बो इंजन के साथ 1.3 इंजन है टर्बो, इसमें 1.2 हाइब्रिड भी आती है, ये पैटर्न वाली है टर्बो इंजन के साथ 21 हॉर्स का। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसका जेड प्रीमियम, जी प्रीमियम, ठीक है। इसमें जो बेसिक मॉडल है ना, उसके अंदर सबसे पहले तो आपकी एक मेजर मैं आपको बता रहा हूँ जो मैटर करते हैं, ये लाइट्स नहीं आएंगी, जिसमें LED DRLs हैं, ये उसमें नहीं, बिल्कुल बेसिक येलो हैलोजन लाइट्स आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये एलॉय जो आते हैं बड़े वाले, गाड़ी के अंदर एलॉय व्हील्स होंगे ही नहीं, उसमें व्हील कप्स लगे होंगे। उसके साथ अगर आप अंदर जाएंगे गाड़ी में, लेदर स्टीयरिंग नहीं होगा गाड़ी के अंदर, अडेप्टिव डार्क रूट नहीं आएगा, कुछ बटन स्टार्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। तो इसमें ऑब्वियसली कुछ बटन स्टार्ट है, ये मेजर डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक होगी। और उसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल AC भी नहीं होगा। अब उसके बाद इस जो ऊपर वेरिएंट आता है ना रेज के अंदर, वो आता है जी वेरिएंट। जी वेरिएंट के अंदर जो है ना, वो लाइट्स तो होंगी LED, लेकिन एलॉयज का साइज़ जो है ना एक छोटा होगा, एलॉयज थोड़े छोटे होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है, इसके अंदर ये प्रीमियम है, इसके अंदर कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा आती है, जेड का बताता हूँ आपको। जेड के अंदर ये बड़े एलॉयज आ जाएंगे, ये मोटी मोटी आपको पहचान कर रहा हूँ। लाइट्स तो पिछले मॉडल में भी, पिछले वेरिएंट में भी आ गई जी में, LED और DRL। इसमें लेदर सीट्स नहीं आती किसी के अंदर भी, इसमें आएंगी लेदर सीट्स। रेस के अंदर वो आफ्टर मार्केट होती है, लेदर सीट्स ग्लॉसी के अंदर आती है हाफ। जेड के अंदर आपको ये बड़े एलॉयज मिल गए, उसके बाद सारा कुछ आपको जो अंदर सारे बटन्स पूरे मिलेंगे, वो सारा कुछ आपके पास आ जाएगा। और प्रीमियम के अंदर जो है ना, ये आपके पास ब्लैक टॉप आ जाएंगे, ठीक है, ब्लैक टॉप आ गई और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आ जाएंगे। उसके बाद 360 कैमरा जो हैं, जो आपको भी मेरी बने दिखाई भी होंगे, 360 कैमरा जो है ना, ये ऑप्शनल होते हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, चाहे जी हो या जी हो या जेड प्रीमियम हो, किसी भी वेरियंट के अंदर ना, ये लाजमी नहीं कि प्रीमियम के अंदर 360 लाजमी होगा, ये ऑप्शनल फीचर है। अच्छा, इसके बाद इस गाड़ी के बारे में ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कि ये एक यानी कि क्रॉसओवर है ऑब्वियसली, और बहुत थोड़ी गाड़ियाँ आती हैं इस रेंज के अंदर, इस प्राइस के अंदर, इस इंजन के साथ, जो कि क्रॉसओवर्स हों जैपनीज के अंदर। तो ये स्कॉर्निक को डायरेक्टली कॉम्पिटिशन देती है, और ऑब्वियसली ये उससे बहुत ज़्यादा वास्टली सुपीरियर है। इसके अंदर सिवाय सनरूफ के, अगर आप अंदर दिखाते हैं, इसके अंदर 6 एयरबैग्स हैं, 360 कैमराज के इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, सीट्स जो हैं ये बहुत बेहतर हैं उससे, कुशनिंग वगैरह, इसकी सीटिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा इर्गोनॉमिक है, कप होल्डर्स वगैरह, ये वो सारी चीज़ें पूरी मिलती हैं। ऑब्वियसली ये टोयोटा जो है रेज के अंदर सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल रहे हैं, और किया स्टॉनिक के अंदर आपको सिवाय उन जो सादे दो एयरबैग्स उन्होंने अब कर दिए, एक बेसिक सी आइटम हमारी मार्केट के अंदर, उसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। शायद उसमें कैमराज के अलावा, वो एक कैमरा के अलावा एक वो पार्किंग सेंसर आते हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसमें 360 कैमराज के अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं, फ्रैक्शन कंट्रोल, और ये बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली इको ऑयल पर चल रही थी, इको ऑयल का फीचर है इसमें, रियर फॉग लैंप्स, क्रैश कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स, अडैप्टिव रडार, उसको डिस्टेंस सेट करने के लिए, कॉल पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, क्रूज कंट्रोल की स्पीड प्लस माइनस करने के लिए, बाकी मल्टीमीडिया के स्टेयरिंग्स, और ये 360 का जो है व्यू, इसको मल्टीपल एंगल से आप व्यू कर सकते हैं, उसको चेंज करने के लिए भी ये कंट्रोल है। गियर शिफ्टिंग जो है इसकी आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक है, और हीटेड सीट्स हैं दोनों फ्रंट, बाकी चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह तो नॉर्मल चीज़ है, फैब्रिक इसकी लेकिन हाथ में आती है। अब इस तरफ आते हैं तो क्रोम हैंडल्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना, और पीछे लाइट्स हैं काफ़ी खूबसूरत है, और इसकी बैटरी लाइन जो है वो साइड से तो शटल है, पीछे थोड़ा सा गड़बड़ा पेरेंट होते हैं, यहाँ पे आके ज़्यादा वाजी हो जाती है और कंट्रास्ट होती है, इसके साथ जो है ना ये थोड़ा सा ये चल रहे हैं जो बैटरी लाइन है इसके साथ चल रही हैं आपकी गाड़ी के साथ। पीछे ट्रंक स्पेस इसके अंदर देखा जाए तो काफ़ी है, और लिफ्ट करने में भी थोड़ा सा आपको आसानी होती है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और जो रिज है यहाँ पर वो कोई इतनी खास नहीं है डिफरेंस। अगर आप देखें यहाँ पर सामान डालते हैं अक्सर, वो
ये जगह ऊंची होती है, सामान उठाते हैं रखते हैं तो यहाँ जाके सामान फंस जाता है, तो वो रिज भी यहाँ पर बेहतरीन है। सीट्स आपकी ज़्यादातर जापानीज़ गाड़ियों में आती हैं जिसमें फोल्डिंग है, अच्छी और स्पेस बन इसके गई है। अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं तो आप कर्ल करके इसमें पिलो रख के तो आप लोग रेस्ट करते हैं और कर भी सकते हैं। तो ये इसके अंदर एक चीज़ होती है कि ये ज़रा ये इसकी ना ये प्लास्टिक अंदर से होती है और ये बाहर से ऑब्वियसली कार्बन फाइबर है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये हिट होती है ना तो ये तो बच जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है कि ये अंदर की जो ना ये टुकड़े होते हैं इसके, और ये बहुत से चेंज करनी पड़ जाती है, डिग्गी इसकी थोड़ी सी होती है महंगी। तो परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि ये जो डिग्गी है ना, ये अगर आपके पास कोई अच्छा पेंटर टेंटर हो तो इसको जो ना आप इजीली रिपेयर भी करवा सकते हैं, तो पार्ट्स लेकिन जो उसके पुर्जे हैं वो पूरे बचेंगे। और कहीं अगर आपका एक्सीडेंट हो और आप डिग्गी खोलते हैं नीचे गिर जाते ना, तो ये ज़्यादा नज़र रहते हैं कि वो आपने उसके जो पीसेज हैं वो आपने पूरे करने ज़ाया नहीं करने। इसके बाद अगर आप इधर से देखते हैं साइड एंगल से, तो नाजा जो है ये तकरीबन 90 पर नहीं होता, 70 तक बिल्कुल होता है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। और पीछे इसमें लेगरूम काफ़ी है, हेड रूम भी काफ़ी है, मेरी तकरीबन 6 हाइट है, 5'11½, और आप देखें कि इजीली आप जो है ना वो इसके अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। और प्रीमियम के अंदर आपको एक और बात, इसमें 8 एयरबैग आते हैं, वरना बोलते वैसे 6 एयरबैग्स इसमें चल रहे होते हैं जेड में, लेकिन प्रीमियम के अंदर आपको ये 8 एयरबैग जो है ना वो मिल रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जेड में 6 होते हैं, जो रॉकी के जो टॉप वेरियंट है ना उसमें उसमें 6 ही आते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि कोई छोटी सी बच्चे को भी इससे बल मारत है। अच्छा, ये जो इस साइड से अगर आप देखते हैं ना, तो आपको एक चीज़ दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी थी कि जो क्लाइमेट कंट्रोल के जो बटन्स हैं, ये जो डैश है ये आप देखें बकायदा ये टिल्टेड है टूवर्ड्स द ड्राइवर साइड, इट्स अ ड्राइवर वांटेड कार, आप देख सकते हैं। ये उस तरह की गाड़ी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा बंदे इसमें बैठे हों, ऑब्वियसली इसमें 2+3 की डिज़ाइन है, लेकिन जापानीज़ गाड़ी में आमतौर पर कहता हूँ कि 2+2 ही होती है, पीछे वाली 3 बंदे थाले तंग हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं खासतौर पर टोयोटा के अंदर, के जिसके अंदर जो ना आपकी जिसमें पूरा डैश टिल्टेड टूवर्ड्स द ड्राइवर। अब देखें एलसीडी भी इस तरफ टिल्टेड है, आपको फ्रंट से भी नज़र आएगा, आपको मुनीब दिखाते हैं फ्रंट से इसकी एंगल बाकायदा यहाँ पर, और जितनी कुछ बटन भी, और ये क्लाइमेट कंट्रोल द फेसिंग द ड्राइवर। तो डिज़ाइन के अंदर उन्होंने ऑब्वियसली तवज्जो दी है, बस ऐसी गाड़ी रोल आउट नहीं करती कि ठीक है क्रॉस ओवर निकाल दो, ऑब्वियसली कोई कंपनी ऐसा नहीं करती, लेकिन टोयोटा अपने प्रोडक्ट्स में आपको पता है बड़ी टिकी होती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पाकिस्तानी किसी भी गाड़ी में आपने अभी तक नहीं देखा होगा फीचर, और ये जापानीज छोटी छोटी गाड़ियों के अंदर आ रहा है कि पिछले तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट वार्निंग्स हैं, ये तीनों पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, और जिसने पहनी होगी ऑब्वियसली लाइट बंद हो जाएगी, जिसने नहीं पहनी होगी आपको नजर आ गया पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, किस बच्चे ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, तो ये आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आप बच्चों को बता सकते हैं कि भाई आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, किसी बड़े ने को बैठा है तो उसने सीट बेल्ट नहीं क्यों नहीं पहनी हुई, आप सीट बेल्ट पहन लें। ये फीचर आपको पाकिस्तान की सबसे महंगी गाड़ी के अंदर भी, जो कि मेरे ख्याल से टोयोटा फॉर्च्यूनर है फिलहाल जो पास में बन रही है, उसके अंदर ये फीचर अभी करीब से भी नहीं गुजरा। तो टोयोटा पाकिस्तान को भी प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा आप लोग भी सोच लें, वैसे आप सिर्फ ड्यूटी लगवाने पर गाड़ी पर लगे हुए हैं, तो अभी इस गाड़ी पर ड्यूटी नहीं लगी, आईडी इस गाड़ी पर नहीं लगी, वो कह रहे हैं इस पर भी आईडी लगाएं, ठीक है ना। तो आप क्या निकाल रहे हैं इसके मुकाबले में, जिसपे भी आर डी लगाएं, चाहे तो 60 CC गाड़ी तो टोयोटा बनाता है नहीं, लेकिन फिक्र पड़ी इन पर भी आर डी लगाएं। बहरहाल ये आप लोगों की मैसेज है, अपने प्रोडक्ट्स बेहतर करें, आरडियाँ जो ना वो उनका पीछे छोड़ दें, आवाम को गाड़ी मिलने और मंगवाने अपनी मर्जी की जो मंगाना चाह रहे हो पाकिस्तान का, ठीक है ना। तो ये था एक ओवरव्यू, इंशाल्लाह मजीद आपको वीडियो शेयर करते रहेंगे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये ओवरऑल गाड़ी के बारे में था, इंशाल्लाह टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी आपके लिए सुन इंशाल्लाह लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें, इंस्टा पर फॉलो करें, और टिकटॉक पर भी हमारे फॉलो कर सकते हैं, डेली अपडेट्स एंड रील्स आती रहती हैं। अल्लाह हाफिज़।